इट इज डे 19 ऑफ लिटररी टर्म्स और यूथ पब्लिकेशन की बुक से हम यहाँ पर ये लिटररी टर्म्स कर रहे हैं. देखिए लिखा है कि द टर्म नॉवल वॉज टेकन फ्रॉम द इटैलियन वर्ड. जो नॉवल है इटैलियन वर्ड से क्या है ओरिजिन है और लिया गया है और कहाँ से कौन सा वर्ड है कि नोवेला है नोवलेट है नोबल है या फिर नोवेला है. देखो नोबलेट भी होता है नोवेला भी होता है पर ये जो लिया गया ओरिजिनल वर्ड तो नोवेला है ना. तो ऑप्शन ए हमारा सही है. द टर्म नोवेल वॉज टेकन फ्रॉम इटैलियन वर्ड नोवेला. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस. क्या लिखा है कि एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी. एरर ऑफ जजमेंट है जो ट्रेजेडी में वो जाना जाता है किस चीज़ के नाम से जाना जाता है कि जजमेंट में एरर कर रहे हो तो कैथारसिस है कि हेमार्सिया है कि ट्रेजेडी है ना. ट्रेजेडी ऑफ ब्लड नहीं ये एक अलग टर्म हो गया और ये कोई ड्रामा का लिटररी टर्म नहीं है पर ये तीनों ही ड्रामा के लिटररी टर्म हैं. हमारसिया है कैटास्ट्रॉफी है कैथारसिस है ना. तो कैटास्ट्रॉफी भी नहीं है. कैटास्ट्रॉफी एक अलग टर्म हो गया. कैथारसिस प्यूरिफिकेशन या परगेशन ऑफ इमोशंस होता है. हमारसिया एरर ऑफ जजमेंट है तो ये इसका आंसर है. तो द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी नोन एज हेमार्सिया. नेक्स्ट हमारा है अ लिरिक इज. तो लिरिक है लिरिक क्या है भाई. लिरिक को याद रखने के लिए हमें एक बार बार मैंने ये बात कही है कि एक गिटार जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें स्टिंग भी होती हैं उनके साथ गाया जाता है. लायर के साथ गाया जाने वाला जो गाना है वो लिरिक है. गिटार नहीं लायर के साथ जो गाए जाने वाला जो है गाना वो लिरिक है. अ लॉन्ग पोएम रिटन फॉर्म नहीं. ऑफ एन एड्रेस तो ये नहीं क्योंकि ये तो डेफिनेशन ओड की है ना. ये तो ओड हो जाएगा. अ पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड हो सकता है कि लायर इसमें लिखा गया हो. अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोइट एक्सप्रेस हिज हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग. हाँ ये बात कही जाती है कि जो लिरिक होते हैं उसमें पर्सनल फीलिंग अब चाहे वो पर्सनल फीलिंग दुख की है सुख की है हैप्पीनेस की है सैडनेस की है या फिर उसमें लव है एंगर है हेट है एंग्विश है कुछ भी भाई कुछ भी तुम्हारी पर्सनल फीलिंग है गा दो. और ट्रायम्फ सॉन्ग ये नहीं है ट्रायम्फियल सॉन्ग ये नहीं है. तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है वो करेक्ट ऑप्शन है कि लायर इज़ अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेस हिज हर इंटेंस फीलिंग. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिंप्लिसिटी स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर ऑफ. कि सिंप्लिसिटी है अच्छा म्यूजिक इसमें है मेलोडी है तारतम्यता और वो क्या है क्या इपिक है या ओड है या बल्लड है या फिर सटायर है. सटायर में म्यूजिक कैसा ठीक है. ओड जो है और इपिक तो भाई एक स्टोरी होती है और पोइट्री फॉर्म में भी होती है पर ये कोई सिंप्लिसिटी इसमें नहीं होती. इसमें तो क्या होगा इसमें तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है सिंप्लिसिटी नहीं होती क्योंकि इपिक्स जो है ना इस इपिक्स की लैंग्वेज जो लिखी लैंग्वेज भी इनकी क्या है हल्की नहीं होती. इनमें सबलाइम लैंग्वेज की ज़रूरत होती है सबलाइम इसमें करेक्टर भी होते हैं. ओड की भी बात नहीं है किसी को एड्रेस की जाती है ज़रूरी नहीं कि ओड में म्यूजिक हो पर यहाँ पे बल्लड की बात की गई है कि सिंप्लिसिटी स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर ऑफ बल्लड. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एसाइड से लेके है और एसाइड क्या होता है ये देखना है. एसाइड और सोलिलोक्वी एसाइड एंड सोलिलोक्वी दो ये टर्म हैं और इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. इनके अंदर इनका अंतर क्या है बहुत पूछा जाता है. लास्ट ईयर भी ये आया है टीसीटी में 2013 में भी आया था और लिखा है कि एड्रेस इन बर्ड डैट द अदर करेक्टर आर नॉट सपोर्ट टू हियर एसाइड में. हाँ ये बात तो ठीक है कि करेक्टर जो है वो नॉट सपोज टू हियर ये सही है. एड्रेस इन बर्ड्स डैट द अदर करेक्टर आर सपोज नहीं ये वाला बात नहीं. इसमें माना जाता है कि नहीं सुन रहा लुकिंग बिहाइंड नहीं ये वाली बात नहीं है पे अटेंशन भी वाली बात नहीं है. तो यही हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा कि एसाइड क्या है एड्रेस इन वर्ड डैट द अदर करेक्टर ऑन स्टेज ये भी लिखना चाहिए था आर नॉट सपोज टू हियर.
ठीक है, जो और करेक्टर हैं वो नहीं सुन रहे, वो एसाइड है। हु रोट मेटाफिक्शन, किसने मेटाफिक्शन लिखा है? रोनाल्ड बार्थेस ने, डेरिडा ने, पेट्रिका बॉ ने, या स्पिवक ने? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर है सी, पेट्रिशिया बॉ। अब इसका लाफ जैसे होता है तो वाफ में इसको कहूँगी, पेट्रिशिया बाफ रोट मेटाफिक्शन, ठीक है, और मेटाफिक्शन की बात कही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डर्ज मींस क्या है, ठीक है, डर्ज और दूसरा एक है एलिजी, है ना, डर्ज और एलिजी, इन दोनों को हमें याद रखना है, और डर्ज और एलिजी के अंदर अंतर भी क्या है ये भी हमें याद रखना है। डर्ज भी सोरोफुल सॉन्ग है, और ये जो डर्ज है वो भी ग्रीफ और सोरो से भरा हुआ है, किसी की बेडिंग पर नहीं भाई, किसी की डेथ पर गाया जाता है, खुशी के लिए नहीं गाया जाता है, किसी डिज़ायर के फुलफिल होने पर भी नहीं गाया जाता है, ये सॉन्ग ऑफ ग्रीफ है। और डर्ज भी सॉन्ग ऑफ ग्रीफ है और एलिजी भी सॉन्ग ऑफ ग्रीफ है, अंतर ये है कि जब डर्ज गाया जाता है तो किसी की डेथ पर गाया जाता है, एट द टाइम ऑफ डेथ, है ना, मतलब जब कोई मर गया तो अब कोई विलाप कर रहा है, अब विलाप कर रहा है तो उसे देखकर रो रहा है, और रोते रोते जो गीत निकल रहा है तो वो डर्ज हो गया, जबकि एलिजी उसकी याद में लिखा जाता है, है ना। और फिर एलिजी पास्टोरल एलिजी भी होती है और एलिजी भी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टिवर राइम, इज आर डेस स्टेंजल इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो देखो ऑक्टिवा है तो आठ अपने आप ही इसमें दिखाई दे रहा है, हम इस ऑप्शंस को भी ना पढ़ें तो ज़्यादा बेटर, मतलब सही रहेगा, अपना टाइम बचाएं। एट इसमें लाइन में लिखा जाता है तो ऑक्टेवर राइम है, और पढ़ लीजिए यहाँ पर कि ऑक्टेवर राइम एट लाइन स्टेंजा है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया होता है, और इट हैज़ यूज्ड इन इंग्लैंड इन द अर्ली 16th सेंचुरी, और किसके द्वारा, थॉमस वेट के द्वारा लिखा जाता है। अब मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसी के जैसा, आप मुझे आंसर कीजिए इफ़ यू नो, और कई बार डिस्कस करा चुकी हूँ इसीलिए पूछ रही हूँ, और कई बार आया है कि एक स्टेंजा है और उस स्टेंजा का नाम है स्पेंसेरियन स्टेंजा। अब ये जो स्पेंसेरियन स्टेंजा है इसमें कितनी लाइन होती हैं, है ना, और जो कितनी लाइन होती हैं तो वो कौन कौन से मीटर में लिखी जाती हैं, ये मीटर भी बताना है और कितनी लाइन भी लिखी जानी है जाती हैं वो भी बताना है, और कौन सी लाइन किस मीटर में लिखी गई है वो भी बताना है। तो यहाँ से ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है भाई, और इसको याद भी रखना है और बताना भी है, जुड़े हुए मेरे साथ तो होप करती हूँ आप ज़रूर बताएंगे। आगे क्वेश्चन लिखा है कि आइडेंटिफाई द ड्रामाटिस्ट Who does not belong to the group of dramatists known as University Bits? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिवर्सिटी बिट्स में जितने भी मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, इन्हें याद रखना है, ठीक है, और कौन सा नहीं है ये पूछा अक्सर जाता है। तो थॉमस नेस इसमें है, थॉमस किड भी हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं थे, ग्रीन भी हैं, शेक्सपियर को बहुत इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, पर साइरिल टॉर्नियर ये महोदय इसमें नहीं है। तो यूनिवर्सिटी बिट्स जो हैं ये एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है 16th सेंचुरी के जो प्ले राइट हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है, जिनके अंदर जो प्रोमिनेंट मेंबर थे वो क्रिस्टोफर मार्लो है, रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस नेस है, जॉन लिली हैं, थॉमस लॉज और जॉन पीले, ये तीन ये यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पर थॉमस किड तो यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए, फिर भी यूनिवर्सिटी बिट्स में इनको रखा जाता है, ये भी आप याद रख लीजिए और मुझे आंसर दे दीजिए वाई क्यों ऐसा किया जाता है। चलिए आगे है कि द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल शेक्सपियरियन सोनेट इज़, कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर शेक्सपियरियन सोनेट का क्या है। तो देखो कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके कि जब वो शेक्सपियर लिखते हैं ना तो उनके लिखने में ऑक्टेव और सेस्टेस नहीं, क्योंकि सोनेट में पेट्रार्कन का ये पैटर्न है तो ये शेक्सपियर का नहीं है। थ्री क्वाड्रेन एंड अ कपलेट, हाँ थ्री क्वाड्रेन 3x4 प्लस
टू इंटू वन, तो कितने हो गए, 12 at 2, 14 हो गए। तो ये उनका लिखने का स्टाइल है। ऑक्टेव क्वाट्रेन कपलेट, ये तो भाई 14 से आगे बढ़ गया, तो सोनेट में तो 14 लाइन ही होते हैं। कपलेट फॉलोवर्ड नहीं, पहले कपलेट नहीं, पहले क्वाट्रेन है। तो ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन है द शेक्सपियरियन सोनेट आर कंस्ट्रक्टेड 3 quatrain, और जिसमें 4 line के होते हैं, तो 3 × 12 हो जाते हैं वहाँ पे, और फाइनल कपलेट होता है 2, और वो भी आयम्बिक पेंटामीटर में है। राइम इसकी मिसकी होती है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ। तो ये कितने हो गए, 3 × 4 है ना, 3 quatrain है ना, और तो इसका मतलब 12 line हो गई, और ये जी जी, तो ये कपलेट हो गया। तो ये इनका लिखने का स्टाइल है। और सोनेट आर मोस्टली डेडिकेटेड टू, इनके जो सोनेट हैं डार्क लेडी या WH जो इनके पैटर्न रहे हैं उसको डेडिकेट ये किए गए हैं। लिखा है व्हाट डू द नोबल पामेला क्लेरिसा समेला एंड लेडी शूसन शेयर विद ईच अदर, है ना। तो ये जो तीनों नोबल हैं, तीनों टाइप की, पामेला एक फेमस, बड़ा ही फेमस नोबल है, और ये जो पामेला नोवेल है ये लेटर्स पर बेसिस है ना, और बाकी मुझे नहीं पता, अब पता नहीं क्या कहते हैं। चलो देखते हैं, एक अगर हमें इनमें से पता है तो पॉसिबिलिटी है 90% हम करेक्ट करेंगे अपना आंसर। लिखा है दे आर ऑल पिकारेस्क नोवेल ट्रेवलॉग हैं, या फिर दे आर ऑल ड्रामेटिक मोनोलॉग, या फिर दे आर ऑल एपिस्टलरी नोवेल। तो देखो पामेला जो है वो एपिस्टलरी नोवेल है। एपिस्टलरी नोवेल का मतलब ये होता है कि भाई नोवेल लिखी गई है, उसकी कहानी जो है लेटर्स पर बेस है, मतलब लेटर कोई लिखता है किसी के लिए और बस उसी को कहानी के रूप में यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो यही है सैमुअल रिचर्डसन की जो पामेला है, हेनरी फील्डिंग की समेला है, और सैमुअल रिचर्डसन की क्लेरिसा है, और हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी जो कि 1748 में पब्लिश होती है, जेन ऑस्टेन की लेडी सुसेन 1794 में पब्लिश होती हैं। ये सारी की सारी एपिस्टलरी नोवेल हैं। 90% मैंने कहा था, एक भी पता है तो हम करेक्ट आंसर करेंगे, पर ये तो 100% ही करेक्ट हो गया, ठीक है। एपिस्टलरी नोवेल इज अ नोवेल रिटन एज अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द यूजुअल फॉर्म इज लेटर, ये याद रख लीजिए। ऑल दो डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग और डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, पर मेन क्या है, मेन लेटर्स हैं, ठीक है। होप करती हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हुए सीरीज़ को यहाँ पर मैं इसे पॉज करती हूँ, और अपने जो कमेंट्स हैं आप ज़रूर कीजिए आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।